हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरे पालक के पकोड़े। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में या फिर आपको जब भी छोटी मोटी भूख लगे आप इन्हें फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसके लिए ली है 2 कप कटी हुई पालक। इसे हमने अच्छे से धोकर सुखाकर काट लिया है और इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, स्वाद अनुसार नमक। हम इसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं, आप चाहे तो प्याज या फिर बारीक कटे हुए आलू भी डाल सकते हैं। और अब डाल देते हैं 1 कप बेसन, डालेंगे आधी चम्मच अजवाइन और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर पकोड़ों का मिश्रण रेडी करना है। और अगर इसमें हमें बेसन की रिक्वायरमेंट और लगेगी तो हम इसमें बेसन और डाल देंगे। अभी हमें इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें 1/4 कप बेसन और डाल रहे हैं। पालक के पकौड़ों में पानी कम लगता है क्योंकि पालक भी पानी रिलीज करती है, इसलिए हमें केवल थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना है। तो पकौड़ों का मिश्रण बनकर तैयार है और अब हमें हाथ धो लेना है। आप चाहे तो इसके पकोड़े हाथ से भी बना सकते हैं या फिर स्पून से बनाएं। और खटास के लिए इसमें डाल देते हैं 1/2 नींबू का रस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए हमने पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें 1 स्पून से पकोड़े बना लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इन पकोड़ों को हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से पकोड़े हम तेल में डालते जाएंगे, जितने पकोड़े तेल में आ जाए उतने ही पकोड़े हमें तेल में डालना है। और ये एक साइड से हल्के से फ्राई हो जाए तब हमें इन्हें पलट देना है। इसी तरह हमें इन्हें चलाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये पकोड़े फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बचे हुए मिक्सचर के भी पकोड़े बना लेंगे। तो ये पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो पालक के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार है। आप इन्हें हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।